सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड फाइनली कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, आप जाइए मिलते हैं वहीं पे। तो फाइनली कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा कि हम भुवनेश्वर जा रहे थे बट वापस से पूरी आ गए। एंड नाउ आज यहाँ से निकल रहे हैं अपना अगला प्लान, और अगला प्लान है अपना जाने का यहाँ से पारादीप। बाकी फैमिली वाले निकल जाएंगे आज घर, और आज जो इनका ट्रेन है वो पूरी से ही है। कल भुवनेश्वर से होना था लेकिन ट्रेन हो नहीं पाया, और बस से इनको जाने का मन नहीं हुआ, तो इस कारण आज ये लोग पुरी से ही सीधे टाटा नगर निकल जाएंगे। हरे हर महादेव। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी पारादीप। पारादीप यहाँ से लगभग 4 घंटे के रास्ते पे है, 170 किलोमीटर। तो शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। जो कल मैंने दबा कर कोल्ड ड्रिंक्स पिया है, कोल्ड ड्रिंक्स तो कम पिया लेकिन आइसक्रीम वगैरह जो खा लिया ना गर्मी गर्मी में अचानक से, इस कारण थोड़ा गले में वो खसखस बोलते हैं ना सर्दी वाला फीलिंग, वो आ रहा है। तो मैं आगे चलता जा रहा हूँ भाई। अभी मैंने मैप पे ध्यान दिया था, यू टर्न दिखा रहा है, यानी कि पीछे से रास्ते से जाना है मुझे। मैं गलत रूट जा रहा हूँ। एक बार जब आप राइड करो ना बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर राइडिंग गियर्स पहन के खड़े हो जाओ तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अगर आप राइड कर रहे हो ना देन भाई फुल मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने में। भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर होके हमें जाना है कटक, एंड कटक से फिर पारादीप। तो मज़ा आ रहा है, हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है, पता नहीं आपको सर विंड नॉइज़ आ रहा होगा, लेकिन भाई आज भी फुल मज़ा आने वाला है। और पारादीप क्यों जा रहे हैं, तो पारादीप जाने के बाद देखते हैं। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ पे क्या है, लेकिन वहाँ पे फिशिंग हार्बर है, और लगभग कहा जाता है कि 4,000 से 5,000 टन जो मछलियाँ ना वो एवरी डे वहाँ पे पकड़ा जाता है, और वहाँ से अदर सिटीज़ में या फिर बाहर भी भेजा जाता है। तो मुझे एक्चुअली फ़िशिंग हार्बर देखना है। तो वैसे तो अभी बाइक में काफ़ी पेट्रोल है, आराम से पारादीप पहुँच जाएंगे, लेकिन सामने भारत पेट्रोलियम दिख रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि टंकी फुल करवा ही लेता हूँ ताकि आगे टेंशन रहे नहीं, करवाना तो है ही। टंकी में अपना आ गया लगभग 6.5 लीटर, 6.67 के आसपास जो है ना वो पेट्रोल अपने टंकी में आ गया। सो अभी हम भुवनेश्वर भी पार कर चुके हैं, कटक भी पार कर चुके हैं, और अब यहाँ से 78-9 किलोमीटर और रह गया है पारादीप। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बच गए हैं और 35 किलोमीटर। और एक चीज़ मैंने नोटिस करा है, इधर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पूरा हरा भरा है ना, हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है। मेरे राइट तरफ भी खेत है जंगल है, लेफ्ट तरफ भी पूरा खेत है जंगल है, और इसी कारण से हल्का ठंडापन भी इधर फील हो रहा है। बहुत ग्रीनरी है बहुत, और रास्ता भी ठीक है, बीच बीच में थोड़ा स्पीड ब्रेकर है कई जगहों पे, क्योंकि छोटे मोटे गांव पड़ रहे हैं बीच बीच में, और इस कारण से जगह जगह स्पीड ब्रेकर है। बाकी रास्ता जितना दिख रहा है आपको एकदम बढ़िया रास्ता है। तो कोशिश करेंगे जो जो नया दिख सकता है वो देखेंगे, क्योंकि हम वेस्टर्न उड़ीसा तो जा नहीं पाए। वेस्टर्न उड़ीसा में हमें पहाड़ और वाटरफॉल देखने को मिलता, तो उधर तो हम नहीं जा पाए, हमारे पास टाइम काफ़ी कम था। नेक्स्ट कभी ट्रिप करेंगे उड़ीसा का तो उधर वाला जगह कवर करेंगे। ओके, तो गेस्ट हाउस तो दिख गया, लेकिन देखते हैं अब है कैसा। एक्चुअली बताया मैंने आपको, काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन लग रहा है, इस पूरे रूट में मुझे कहीं दिखा नहीं कोई गेस्ट हाउस अच्छा। तो लेट्स सी, बहुत ज़्यादा यहाँ उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं कि गेस्ट हाउस मिलेगा। जो मिल रहा है उसमें दिन काटना पड़ेगा। देख के तो कुछ खास तो नहीं लग रहा, देखते हैं रहने लायक है या फिर नहीं है। तो फाइनली रूम आ गए, और रूम वैसे ठीक ठाक है, बाहर से देखने में होटल बहुत ठीक नहीं है, लेकिन रूम ठीक है। दिखा दूँ आपको, थोड़ा बेड है, सबसे इम्पोर्टेंट कपड़ा टांगने के लिए जुगाड़ दिया हुआ है, छोटा है लेकिन नीट एंड क्लीन है, बाथरूम भी साफ़ सुथरा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एंड एसी है कि नहीं भाई? चलो ठीक है, एसी भी है। तो अभी यहाँ पे 3:30 हो रहा है, ऐसा करते हैं फटाफट थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं
और इसके बाद थोड़ा निकलते हैं, फिशिंग जो हार्बर है वो देखने चलते हैं। अभी खुला होगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 6 बजे से पहले बंद तो नहीं होना चाहिए, तो फिशिंग हार्बर देखते हैं। और अभी ब्लॉग फिनिश हो नहीं रहा है, बट ज़्यादा ऑप्शन देखो मुझे लग रहा है कि अभी मुझे पता नहीं है, एक्सप्लोर करने में पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ऑप्शन रहने का शायद पारादीप में नहीं है, और है तो कैसा है मुझे नहीं पता। फैमिली के साथ, वैसे फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, यहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर ठीक है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है खाली खाली से थोड़ा है, उतने गेस्ट मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, खैर सोलो के लिए कोई टेंशन नहीं है, फ्रेश होते हैं एंड आपको दिखाते हैं, चलते हैं, पहुँचते हैं फिशिंग हार्बर, देखते हैं वहाँ कहाँ तक जाने मिलता है और जो देखने मिलेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चला जाए, ये है 12 किलोमीटर, तो ये बहुत दूर नहीं है, इसको हम घूम कर आते हैं। अभी देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है वहाँ पे। एक ड्रोन का कमी मुझे बहुत बार खल रहा है, मुझे एक ड्रोन तो चाहिए लेकिन बजट ही नहीं बन पा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राइड करूं या ड्रोन खरीदूं। मुझे ये जानना है यार कि ये जो ट्रक खड़े हैं इतने बड़े बड़े, ये यहाँ से लेकर जा क्या रहा है, मेरे को ये पता करना है यार। मतलब और भी कुछ तो है पारादीप में? मुझे तो बस लगा था कि ये सी पोर्ट होगा और समुद्र वाला फीलिंग, यही सब मैंने कुछ अलग ही इमेजिन करा था पारादीप को लेके, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही है यार। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ये जो दिख रहा है ना लाल काला, ये कुछ माइंस टाइप का लग रहा है, कुछ माइंस वाइंस भी हो रहा है इधर, कुछ माइनिंग वाइनिंग का काम चल रहा है। किस चीज़ का माइनिंग हो रहा है नहीं पता, लेकिन पता करना पड़ेगा, जानना चाहिए। अभी 4:30 भी नहीं हुआ है, अभी 4:15 और ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा होने वाला है एक घंटे में, मतलब एक घंटे में तो हो ही जाएगा क्योंकि ठंड का मौसम है, तो ऑब्वियसली एक घंटे में अंधेरा हो जाएगा। भाई साहब अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जैकेट तो कैरी करना चाहिए था भाई, ठंड लग रहा है यार। आप देख सकते हो अगल बगल ग्रीनरी, क्या हाल है, मतलब अंधेरा सा लग रहा है पूरा। लेफ्ट देखो या राइट देखो, सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल है, और भाई साहब लग रहा है ठंड। 700 मीटर और है, वैसे 700 मीटर और है। फिशिंग हार्बर पारादीप, यहाँ से लेते हैं लेफ्ट टर्न, यहाँ पे पता नहीं जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कहानी है, कहाँ पार करना पड़ता है बाइक, टिकट काउंटर, बाइक जाएगा अंदर नहीं जाएगा ये भी नहीं पता अभी। यहाँ लिखा हुआ है पर्सन एंट्री 5 रुपीज़ पर डे, ट्रॉली ऑटो लाइट व्हीकल, और मेरा किस में आएगा पता करते हैं भाई क्या है। एंट्री लेना है अंदर, हाँ 5 रुपया, हाँ 5 रुपया वो अंदर है क्या, कितना मतलब अंदर में है जो फिशिंग वाला पोर्ट है, अंदर ही है ना, हाँ लेफ्ट तरफ, ठीक है थैंक यू भाई साहब। 5 रुपये लगे यार, देख कर आते हैं क्या है अंदर। ओके ओ भाई क्या सनसेट हो रहा है, सबसे पहले हम लेंगे एक फोटो इस खूबसूरत सनसेट के साथ, अपने बाइक का फोटो लेना है, उसके बाद चलेंगे अंदर देखते हैं भैया क्या हाल है मछलियों का। काफ़ी सारा यहाँ पे मतलब बताया जा रहा 3,000, 4,000 या 5,000 टन ऐसे कुछ पर डे का भाई कहानी है, पर डे का 4,000 या 5,000। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, फोटो लेते हैं, शानदार सा फोटो आ रहा है मस्त एकदम। तो ऐसा करते हैं कि पहले इधर से घूमते हुए उधर चलते हैं एंड उधर से एक पूरा राउंड लगाते हुए, अगर राउंड लगाने की जगह होगा तो राउंड लगाते हुए फिर इधर आएंगे,
पता नहीं है कि नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ जगह है भी कि नहीं है, लेकिन यार ये सनसेट देखो कितना शानदार सनसेट लग रहा है, पूरा पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर मैं DSLR लेकर आता अपना तो एक नंबर फ़ोटो निकालता पूरी बीच का भी और यहाँ का भी। अभी चलते हैं पहले उधर, देखते हैं, इस फ़ोन को करते हैं अंदर। ओ भाई साला बहुत बड़ा मछली है तो। मैनेजमेंट सोसाइटी मछली मेरे को लग रहा है तो रात में अभी सब निकल गए होंगे, मेरे को लग रहा है बोट मछली पकड़ने के लिए एक्चुअली, क्योंकि अभी देखो तो मछली बोट में तो नहीं है, ये लोग निकल जाएंगे मछली पकड़ने के लिए, या फिर सुबह सुबह बोट आता होगा तो मछली आता होगा ढेर सारा। यहाँ पे एक बोट आया हुआ, यहाँ पता करे। नहीं, मछली देखो यहाँ पर भी है, मछली बहुत सारा मछली है भाई, बड़ा बड़ा मछली यार। चलते हैं एक बार, सब देख रहे हो इतना बोट तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, इससे पहले ना मैं कभी पोर्ट पे आया ना मैंने कभी इतना बोट देखा। अभी तो बस इतना ही नहीं है, अभी उस साइड भी है भैया, उस साइड भी बहुत सारे बोट हैं अभी तो। अब इससे ज़्यादा आगे गया अपना रोनिन तो सीधे पानी में जाकर निकल जाएगा, फिर मैं अपना रोनिन खो दूंगा। जो ये फिशरमैन है अब भाई यहाँ पे मछलियों को सुखाया जा रहा है, यहाँ भी आगे कुछ नहीं है। ये जो फिशरमैन है इनका खाना पीना समझो कि अब सब इनके लिए बोट में ही होता है, मछली खाते होंगे मैक्सिमम ये लोग तो, या हो सकता है कि इतना मछली पकड़ने के बाद इनका जो मन है ना वो भर ही गया होगा तो शायद मछली नहीं भी खाते होंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो मछली खाते ही होंगे। भाई ये क्या सांप वाप है क्या? चलो सांप है भाई, ओ भाई साहब सांप को फ्राई किया हुआ है ये, आई थिंक सर सांप है या कोई सी वाला सी फूड होगा, एक आता है ना मतलब अलग टाइप का, पता नहीं सांप भी हो सकता है सी फूड भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है, खतरनाक यार। तो अभी चलते हैं आगे वाले में, देखते हैं, मतलब फिश तो दिखा नहीं अभी तक। ओ साला कौवा सर के ऊपर से पार हो रहा है, फिश तो दिखा नहीं जैसा फिश दिखने का मेरे को यहाँ पे उम्मीद था, शायद कहीं आगे वाले में दिख जाए। पता नहीं सारा मछली गया कहाँ, चलो या तो सब सेल हो गया है, मतलब निकल चुका है मछली मेरे को लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मछली दिख ही नहीं रहा है। इतना बड़ा फिशिंग हार्बर है तो भाई मछली तो होना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा है मछली सब निकल चुका है, मछली ही नहीं है, अंदर भी पूरा खाली है। ये देखो इनके पास बर्फ है, बर्फ है मतलब मछली भी होगा इनके पास, पता करते हैं। ये तो भाई लगा के पकड़ रहा है मछली, ये देखो इतना बड़ा हॉल है यहाँ से वहाँ तक, देख रहे हो आप बहुत दूर तक है, लेकिन खाली पड़ा है, कोई यहाँ पे ना ख़रीदार है ना कोई बेचने वाला है, मेरे को लग रहा है सब निकल चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो। दादा मछली नहीं है क्या? मछली निकल गया सब, देख रहे हो ये सारा सी वाला, ये नदी में मैंने आज तक ऐसा मछली कभी नहीं देखा।
साला इसका कटीला दांत देख रहे हो इसका भाई साहब, यानी आप सोचो कि एक नाव से इतना सारा मछली निकल रहा है, भी निकल ही रहा है, बहुत सारे निकाल रहे हैं वो अंदर से, तो यार जब पूरा नाव से निकलता होगा तो कितना निकलता होगा। सो अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, 12 किलोमीटर पारादीप सी बीच। तो ऐसा करते हैं कि अंधेरा होने से पहले सी बीच भी एक बार देख कर आ ही जाते हैं कि यहाँ का सी बीच कैसा है। बाकी मुझे एक बार फिशिंग पोर्ट देखने का बहुत शौक था और आज फाइनली देख लिया। मुझे लगता है कि विशाखापट्टनम और कोच्चि का शायद इससे भी क्या बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उनका कैपेसिटी कुछ अलग ही लेवल का है, तो वो ज़्यादा बड़ा होगा। फिर ठंड लगने वाला है इस रास्ते में। ओ भाई साहब, एक तो ऐसे ही गला में खसखस हो रहा है, ऊपर से ठंड भी लग रहा है भाई, पूरा अंधेरा हो गया आगे। थोड़ा कैमरा में ब्राइटनेस ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अभी अगर मैं अपने नग्न आँखों से देखूँ, नेकेड आई से, तो भाई अंधेरा हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पे रात को 12-1 बजे हॉन्टेड लगेगा ये, ख़तरनाक यहाँ से गुजरने में। क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, ओहो मज़ा आ गया। यहाँ का सी बीच देखो यार, वो तो पूरी सी बीच जैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखते हैं लोग हैं भी या नहीं है, मुझे ये देखना है कि लोग भी हैं यहाँ के सी बीच पे या फिर लोग भी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा अंधेरा होने से पहले। कम से कम अगर कोई ना हो तो भाई मैं भी वहाँ से बाइक उठाऊँ और कहाँ से कट लूँ जल्दी से। अगर लोग दिख गए तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं मार्केट वार्केट दिख गया कुछ खाने पीने का तो खा भी लेंगे, भूख भी लगा बहुत तगड़ा, सुबह एक सैंडविच खा के निकले, उसके बाद घंटा कुछ नहीं खाया अभी तक, 5 बजने वाला है। भाई साहब इस मशीन पे एक बार नज़र डालो, ये क्या तगड़ा जो है ना पानी का प्रेशर मार रहा है सारे पौधों पर, ज़बरदस्त। नहीं तो यहाँ इतना डस्ट रहेगा ना, मैंने बताया ना कोई चीज़ का तो किसी का तो माइंस है यहाँ पे, और पत्तों पे पूरा पानी का प्रेशर मार रहा है इसलिए इतने हरे भरे सब दिख भी रहे हैं। तो अगले 600 मीटर के बाद हम पहुँच जाएंगे सी बीच। और यार वाइब्स तो है, मतलब साफ़ सुथरा, वेल मेंटेन, बढ़िया, लोग यहाँ पे बैठकर अपना इवनिंग को एंजॉय कर रहे हैं। और मतलब सही है यार, बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो मार्केट भी है भाई। मुझे लग रहा था कि मतलब मैं जो सोच रहा हूँ जैसे उल्टा ही हो रहा है, ये देखो ठीक ठाक मार्केट है भाई यहाँ पर भी, राइट साइड में भी ठीक ठाक मार्केट है, सर लेफ्ट ना। कहाँ तक जाएगा अपना बाइक ये तो नहीं पता, और यहाँ उम्मीद है कुछ खाने को तो मिल जाएगा भाई साहब, आइसक्रीम छोड़कर बस। हाँ भीड़ तो आगे है भैया, भीड़ है यहाँ पे। तो फाइनली पहुँच गए पारादीप सी बीच, और उतना दूर से हम आ रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है 300 मीटर होगा। और यहाँ पे भाई यहाँ का लेकिन ना बीच बड़ा ख़तरनाक लग रहा है यार, बहुत नज़दीक सा लग रहा है, मतलब
लोग तो काफ़ी है, मुझे लगा था कि पता नहीं सुनसान पड़ा हुआ होगा, कोई होगा नहीं, लेकिन काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और क्योंकि फुल मून आने वाला है तो जो टाइड्स है ना, वेव जो है वो काफ़ी ऊंचा ऊंचा उठ रहा है। और देख रहे हो काफ़ी नज़दीक लग रहा है यहाँ पे बीच, बहुत नज़दीक सा लग रहा है, मुझे लग रहा है गहरा है यहाँ पानी एज़ कम्पेयर टू पूरी बीच। सो भाई साहब अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि अब ठंड बढ़ेगा और ब्लॉग भी एडिट करना है आप सबके लिए। काफ़ी दिनों से ब्लॉग का एडिटिंग नहीं हुआ है और काफ़ी देर देर से ब्लॉग मिल रहा होगा आपको, इसके लिए रियली वेरी सॉरी। क्योंकि कंटिन्यू राइड लग रहा है, मैं घर में रह ही नहीं रहा हूँ कि ब्लॉग एडिट करूँ, कहीं वाईफाई का इशू, कहीं कहीं इशू। लेकिन माहौल अच्छा है यहाँ पर भी, जैसा मैंने सोचा था कि सुनसान होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बीच भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो भाई साहब कुछ खाते हैं और अब निकलते हैं यहाँ से अपने रूम। आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आज हमने पूरी से पारादीप ट्रेवल करा और पारादीप फिशिंग हार्बर हमने देखा एंड पूरी एंड पारादीप सी बीच भी हमने देख लिया। सो काफ़ी बिजी दिन था, काफ़ी बिजी डे था आज का। और आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।